मेरा नाम जयम नटराज अय्यर है। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। ये जी मेरे पतिदेव हैं जी। और मेरे पेट में बहुत हैवीनेस था, मतलब जी। कभी भी कैमरा पीछे रखो। हाँ हाँ बताओ। भी करो तो जाता नहीं था, थोड़ी देर जाके जी। 3 घंटे तो हो गए यहाँ बैठ के, 3-4 घंटे जी। कभी पेट एकदम थोड़ा हल्की हो गई है जी। और सर में भी बहुत ऐसा हैवीनेस था, वो भी एक हिस्सा तो मतलब ठीक हो गया। मैं देख रहा था भजन में भी आप जो है बजा रहे थे। मंदिर है, बजाना मेरा शौक है जी। जी तो मैं देख रहा था कि बड़ा अच्छा मन लगा कर आप बिल्कुल धुन में लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो शरीर की जो समस्या थी उस समस्या से आपको लाभ मिलने के कारण और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मेरे से औरों ने भी एंजॉय किया। जी जी जी। अब ये शनि धाम में जब आप आए हैं और आपने ये सब देखा और आपको ये महसूस हुआ और आपको लाभ मिले, तो क्या मानते हैं परम पूज्य मनु भैया जी को? भगवान मानते हैं, और क्या मानेंगे, इससे अधिक क्या बोल सकते हैं। कहाँ यहाँ पर आने का कोई खर्चा वगैरह तो नहीं लगा आपका? यहाँ शनि धाम का खर्चा बात कर रहे हैं हम। नहीं नहीं, अंदर कोई खर्चा है नहीं, मतलब अंदर तो बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। यहाँ तो निशुल्क ही होता है सब कुछ जी। तो आपको अपने लिए खुद करना है, वो अलग बात है। तो पहले भी कहीं गए आप कई धाम में या किसी मंदिर में या किसी? इंसान को तकलीफ होगी तो हर जगह जाएगा। अच्छा, तो और जगहों के मुकाबले अगर हम बात करें शनि धाम की, तो क्या पाया? बहुत अच्छा, बहुत शांति है यहाँ पे, और सबको अकेले वो हैंडल करते हैं, हर एक से बात करते हैं। सब धामों में गर्दी इतनी रहती है कि आपको कोई अटेंड करे नहीं करे, आपकी पूरी बात सुने ना। शनि धाम में, शनि धाम में तो मनु भैया सबको अकेले अटेंड करते हैं, एक एक को अटेंड करते हैं। जय शनि देव। कोई खाली नहीं जाता यहाँ। जय शनि देव।